हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ओम प्रकाश, आप देख रहे हैं सबसे सरल ऑनलाइन। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको अरबी नहीं आ रही है तो आप कैसे अरबी सीखेंगे, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे सरल, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हफ्ते में हम एक वीडियो लेकर आते रहते हैं सिर्फ अरबी से रिलेटेड, यानी अरबी आपको हम सिखाते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है अरबी में सीखने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट भी संडे को लेंगे और संडे में आपका नाम और उसके साथ में कमेंट आपका जोड़ा जाएगा। तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और आपको हम आसानी से सिखाएंगे। सिर्फ एक महीने में आपको अरबी आ ही जाएगी लगभग, हमारी तो यही कोशिश है, आप जरूर सीख जाएंगे। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो प्लीज पेज को लाइक कर दीजिए, और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम आपको बताते हैं कौन कौन से वो वर्ड हैं जो आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए। दोस्तों जैसे मान लीजिए वहां पर जो घर है उसको हम वहां पर गल्फ में यानी कुवैत, दुबई, सऊदी, जहां भी है वहां पर हम बोलते हैं बेत, जो घर को हम बेत बोलते हैं। और बेत एक और भी वर्ड है जो बेत को अंडा भी बोलते हैं। और ये जो दूसरा वर्ड यहाँ पर हमने लिया है ये खरूफ, खरूफ वहां पर बोलते हैं और यहाँ पर बकरी बोलते हैं। और जो तीसरा यहाँ पर है अकिल, अकिल मीन्स होता है खाना, यानी वहां पर अकिल बोलते हैं, और अकिल मतलब खाया भी होता है, खा लिया जो भी है। ये सारे वर्ड एक ही जैसे होते हैं लगभग लगभग, लेकिन इसका हम लास्ट में बताएंगे, यानी कि जब हमारे वर्ड पूरे हो जाएंगे शायद एक महीने दो महीने में, तो हम आपको बताएंगे वर्ड का कैसे यूज करें, ये सारी जानकारी हम बताते रहते हैं और बताएंगे। और उसके बाद में यहाँ पर जो चौथा है आदर्श, वहां पर आदर्श बोलते हैं, और जो बांग्ला, पाकिस्तान और इंडिया में बोलते हैं दाल, आदर्श, आदर्श मतलब दाल होता है। और यहाँ पर बहुत सारी दाल है, वहां पर लगभग सारी दालों को जो भी दाल है वहां पर आदर्श ही बोलते हैं। और जो यहाँ पर पांचवा है यहाँ पर मरग, मरग मतलब सब्जी होता है, जो वहां पर सब्जी, रसादार सब्जी जो भी है सब्जी को वहां पर मरग बोलते हैं। और जो छठा है यहाँ पर हुम्मस, हुम्मस मतलब वहां पर हुम्मस बोलते हैं, और इंडिया वहां पर हुम्मस बोलते हैं, और इंडिया में चना बोलते हैं उसको, चना जो चना खाया जाता है चना बोलते हैं। और ये जो सातवा है कुरकुम, कुरकुम मतलब जो भी हल्दी है और जो खाने का जो मसाला होता है उसको भी हम कुरकुम बोल सकते हैं, तो ये कुरकुम हल्दी बोलते हैं, इसे नाम इसका कुरकुम मतलब हल्दी है, लेकिन इसको हम मसाला के तौर पर मतलब कुरकुम जिब, कुरकुम मतलब जिब मतलब लाना, कुरकुम ले आओ, तो ये कुरकुम मतलब एक मसाला है, यानी जो मिक्स मसाला होता है, और यहाँ पर सब्जी मसाला जो भी है। उसके बाद में यहाँ पर जो आठवां यहाँ पर है जमिया, वहां पर जमिया बोलते हैं, लेकिन अगर इंडिया के हिसाब से देखा जाए या पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए तो वहां पर मार्केट बोलते हैं, जैसे बड़ी दुकान है या मॉल है तो उसको वहां पर जमिया बोलते हैं, जमिया जिब अगर आप जमिया जमिया सामान ले आओ ऐसा बोलते हैं। हम बताएंगे कुछ टाइम, मतलब कुछ और वीडियो अभी पब्लिश नहीं हुई है, कुछ वीडियो और हो जाए तो हम आपके लिए कुछ मतलब इसका सेटिंग बताएंगे कि आपको कैसे बोलना है, हम यानी कि अच्छी तरीके से समझाएंगे। बस आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के साथ बने रहिए। और यहाँ पर जो नौवा यहाँ पर है बकाला, बकाला बोलते हैं यहाँ पर हमारे गांव में, बकाला को बोलते हैं, दुकान है छोटे मोटे जो दुकान है उसको हम दुकान वहां पर बकाला बोलते हैं, जो भी छोटी से छोटी दुकान उसको बकाला बोलते हैं, खाने पीने का सामान और बाकी जो भी है। और वहां पर जो दसवा भी हमने क्वेश्चन लिया है जिब, जिब मीन्स होता है लाना, जिब यहाँ पर जिब मतलब यहाँ पर लाना बोलते हैं, वहां पर जिब बोलते हैं जिब। और एक जो दसवा था, और हम एक और ऐड कर देते हैं जो ग्यारहवा है बर्रा, बर्रा मतलब बाहर, कहीं भी जाओ तो वो बर्रा मतलब बाहर, रो बर्रा ऐसा बोलते हैं, बाहर जाओ या ऐसा कुछ बोलते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर पहली बार है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।